जो इस देश के मिट्टी का, इस देश के मिट्टी के ऊपर प्यार करता है, वो सारा इस देश का है। पुलिस द्वारा लागू जमावबंदी आदेश को तोड़ते हुए श्रमजीवी संगठन ने 11 फरवरी मंगलवार को मोर्चा निकाला। मोर्चे का नेतृत्व संगठन के संस्थापक विवेक पंडित कर रहे थे। इस मोर्चे में हजारों की संख्या में आदिवासी और वंचित समाज के लोग शामिल हुए। कामगार संगठन के कार्याध्यक्ष सुल्तान पटेल और श्रमजीवी संगठन के थाने तालुका अध्यक्ष रविंद्र गायकर ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन पर आदिवासियों और वंचित समाज को लेकर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। झोपड़ियों में रहने वाले हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रांत से, देश के कोने कोने से लोग आते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए। पालघर जिले से भी आते हैं, थाने जिले से भी आते हैं और नाका पे खड़े रहते हैं कि कोई ठेकेदार आएगा, कोई मालिक आएगा, हमें ले जाएगा काम के लिए। ऐसे काम करने वाले काफी सारे नाका कामगार यहाँ पर है। मुझे लगता है 2000 से भी ऊपर नाका कामगार सिर्फ इस नाका पे खड़े रहते हैं। हम सब लोग आज रास्ते पर आए हैं और इकट्ठा आए हैं ये इशारा देने के लिए आए हैं। महानगर पालिका को भी और महाराष्ट्र के सरकार को भी कि अब हम बट बट के नहीं रहेंगे। कोई हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर हमारा बंटवारा करना चाहे तो बंटवारा हम नहीं सहेंगे। हम सब मजदूर हैं, चाहे कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी प्रांत के हो, कहां पर भी रहते हो, यहां पर अपना पसीना बहाकर हम अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए आते हैं। जो सुविधाएं महानगर पालिका ने देनी चाहिए, सरकार ने देनी चाहिए, वो सुविधाएं सरकार यदि नहीं देती तो उसे छीन के लेने के लिए आज हम आए हैं। कारण गवर्नमेंटच्या सुविधा आहे, पाचवी सहावी सातवी आठवी कितीही कमी शिक्षण असणे की जरूरत नाही। क्या आपके किसी के हाथ में पत्थर है? किसी के हाथ में बंदूक है? किसी के हाथ में लाठी है? कोई जरूरी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का अस्त्र दिया है, महात्मा गांधी ने अहिंसा सिखाई है हमें, तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले। आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अरे ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये कैसी आजादी है और देश की जनता भूखी है, इस नारे के साथ आज श्रमजीवी संगठन ने काशी मीरा के शिवाजी पुतले के पास हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए यहां पर आंदोलन रखा है। आज अपने लोग पूछेंगे आयुक्त को, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन नाका कामगार का आपने किया बताओ, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? हर एक नाका कामगार जाके कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है, जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है उसके लिए 7000 करोड़ की पूंजी महाराष्ट्र सरकार के पास है। आपके बेटों की शिक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, क्या हमें उसमें रजिस्टर करवाया? नहीं करवाया तो क्यों नहीं करवाया? वहां पर यदि काम पर मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया जाता है, उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं? यहाँ पे BSUK के घर बनवाए, 50 आदिवासी हैं, 2500 से ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, उनको वादा किया 10 साल में वादा किए को कि आपका घर तो ना, हम आपको घर बना के देंगे। कहां गए वो घर? घर का पता कहां है? आज पूछना है महानगर पालिका को कि आज इशारा दे रहे हैं आप, हमको एक डेड लाइन दो, एक मर्यादा दो कि 3 दिन के अंदर हमको घर मिलना चाहिए।
और यदि नहीं मिलेगा तो हम आयुक्त का जो ऑफिस है उस आयुक्त के ऑफिस में अपना बाढ़ बिस्तर बोझा उठा के वहां पे जाएंगे। जब तक हमारा घर नहीं बनेगा हम अपने घर में नहीं जाएंगे। ये क्या मजाक चला रखी है? जो रहने के लिए घर दिए मैंने देखे। मीरा भाईंदर शहर में काशी मीरा परिसर में आज श्रमजीवी संगठन ने एक बड़ा आंदोलन किया है जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। विवेक भाऊ आज आंदोलन किया है श्रमजीवी संगठन ने, क्या मांग है आज आपकी यहाँ पर? मीरा भाईंदर शहर में जो सफाई मजदूर हैं उनके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे आदिवासी हैं जिनको फॉरेस्ट लैंड के पट्टे मिलने चाहिए। 407 से भी ज़्यादा पट्टे महानगर पालिका में प्रलंबित है और ये वन का अधिकार उनको अब तक नहीं दिया। इसके अलावा BSUP योजना में जो घर तोड़े हैं और घर बांध के देने का वादा किया था वो 2 साल के अंदर कर किया था, 10 साल हो चुके हैं। वो जिस हालात में रहते हैं वो जानवरों जैसी हालत है। तो आज हम ये वार्निंग देने आए हैं कि एक टाइम लिमिट में यदि इन चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे तो इसके आगे का जो आंदोलन है वो हम बहुत तीव्रता से करेंगे। आज हजारों की संख्या में आपके साथ में ये कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनकी अनेक मांगें हर वक्त तो उन्हें आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। अगला कदम किस तरह से रवैया? हमने संगठन के द्वारा ये तय किया है अभी कि आज़ादी को 73 साल हो चुके हैं, बहुत मांग चुके, अब छीन के लेने का समय आया है। तो मांग के भी नहीं मिलता है तो छीन के लेने की तैयारी हम लोगों की कर रहे हैं कि अगले 2 साल यही संघर्ष जारी रहेगा कि हर एक आंदोलन किस टाइप का जो अहिंसा से चलेगा वो शार्प कैसे हो ताकि ये जो प्रभाव डालने वाले लोग हैं या पॉलिसी नीति बनाने वाले लोग हैं उनको हम सही ढंग पे ला सके। तो अहिंसा के द्वारा वो हम कर सकते हैं, इस पर हमारा पूरा विश्वास है और इसी लड़ाई है, 2.5 साल की लड़ाई हम मानते हैं। आज तो शुरुआत है, इसके आगे और तेज़ी से संघर्ष कर रहे हैं। ये थे विवेक पंडित जी, इनका कहना है कि अब आज़ादी छीन कर लेंगे। कैमरामैन विनय के साथ अजीम तबोली भाईंदर। अनेक कमिश्नर से अनेक मांगे अपनी मनवाने के लिए आज श्रमजीवी के संगठन का मोर्चा सीधे महानगर पालिका पहुंच रहा है। हजारों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता श्रमजीवी के मौजूद है।